हम्पी। हम्पी एक ऐसा गांव है जो केवल देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी समृद्ध और कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ऐतिहासिक जगह को पसंद करते हैं तो आप भी हम्पी जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हम्पी के सारे पर्यटक स्थल को दिखाएंगे और यहाँ जाने का सबसे उत्तम उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो बता दें दोस्तों, हम्पी एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है जहां आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ या अकेले भी आ सकते हैं। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में बनी हम्पी नगरी कर्नाटक के बेल्लारी जिले के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहां आपको मंदिर, महल, खंडर और गुफा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि हम्पी कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, हम्पी पहुँचने के लिए वैसे तो 3 मार्ग है, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, परंतु हम यहां आए हैं टूरिस्ट बस में और हमारा टोटल 22 दिन की यात्रा है दक्षिण भारत में, इसलिए हमें बस में ही घूमना सबसे अच्छा लगता है और सबसे सस्ता टिकाऊ लगता है। हम्पी घूमने का सबसे अच्छा मौसम होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच। इस सीजन में यहां का मौसम बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, हम लोग थोड़ा पहले ही साउथ ट्रिप पर निकले थे, इसलिए गर्मी का सामना करना पड़ा। चूँकि हमारा प्रत्येक वर्ष कई सारा टूर होता है, इस वजह से डेट आगे पीछे हो जाता है। तो चलिए, हम्पी में हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के आधार पर हम बात करें तो हम्पी का उल्लेख रामायण के समय पर भी मिलता है। दोस्तों, त्रेता युग में हम्पी को किष्किंधा नगरी के नाम से जाना जाता था, जहाँ रामायण के मुख्य किरदार जैसे अंगद, बाली, सुग्रीव और बजरंग बली जी का निवास स्थान के वो भी यहाँ दर्शाया गया है। साथ ही हम्पी को हिस्टोरिकल आर्ट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है तथा मंदिरों का शहर भी इस शहर को कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से बैटरी वाला गाड़ी चलती है, तो देख सकते हैं ये बैटरी वाला गाड़ी है, इसी में हम लोग को जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी लाइन लगा हुआ है। पर पर्सन 20 रुपीज टू वे, मतलब आना और जाना, और सिर्फ जाने के लिए 10 रुपये। ये देखिए, हमारे ग्रुप सारे लोग लाइन पे लगे हैं। तो गाइज, देख सकते हैं यही है अंजना पर्वत, जो इससे पहले वाला वीडियो में आप देखे होंगे, और ये हम लोग काफी दूर से घूम घूम के गए थे और यहाँ से एकदम करीब नजर आ रहा है। यहाँ आके अंदर जाने के लिए भी 40 रुपीज पर पर्सन टिकट लग रहा है, तो यही हम लोग काट रहे हैं। ये देखिए, ये टिकट है और पर पर्सन 40 रुपीज। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट हम 3 का मेरा भी एक दो मिनट। तो ये पुराने स्मारकों का किला जैसा है, जो फिर से रिनोवेट किया जा रहा है। अरे वाह, अंदर में नाली भी बना हुआ है, मतलब पुराना। और ये ऊपर का लाइटिंग देखिए, मतलब रोशनी आने के लिए भी जगह है। सेम मॉडल, मतलब तो भाई विश्व विरासत दिए से। तो ये देखिए, ये सारा विश्व विरासत में आता है। तो देख सकते हैं, अभी वापस जाने के लिए भी लाइन लगना पड़ रहा है। A few minutes later. दोस्तों, विट्ठल टेम्पल से वापस आने के बाद हम लोग आगे का साइड सीन बाकी था, वो सब हम लोग घूमने के लिए आए हैं, लेकिन कन्नड़ भाषा में लिखा होने के कारण हमें पता नहीं लग पा रहा है कि ये कौन सा मंदिर है। दोस्तों, इसका फ्रंट साइड से अंदर जाने का अलाउ नहीं है, तो हम लोग को दूसरा साइड से होके
जाने मिल रहा है और ये दूसरा गेट है और इधर से जाने का और उधर से एग्जिट वे है उस साइड में। फोटोग्राफ अलाउड, ओ बाबा। तो घूरे इधर ही बैठे थे, उधर ही बैठे पर रास्ता नहीं लुकाए था कि बार पोत उठे। चलो को चलो आशु आशु तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं, ये नरसिम्हा जी का टेम्पल है यहाँ पे। गाइज देख सकते हैं ये है शिवलिंग जो कि एक ही पत्थर से काट के बनाया गया। यहाँ पे दो तरह का मंदिर है इस स्पॉट पे, एक है यहाँ शिवलिंग जो कि एक ही पत्थर से बनाया गया है शिवलिंग, है ना, 9 फीट या 10 फीट का शिवलिंग यहाँ बनाया गया है। अच्छा 12 फुट ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि 12 फुट का बनाया गया है लेकिन ये एक्चुअली दिख रहा है 9 फुट का। और यहाँ पे नरसिम्हा जी का टेम्पल। तो गाइज देख सकते हैं अभी हम लोग वापस लॉज में आ गए हैं और यहाँ से किष्किंधा नज़र आता है। देखिए यही है किष्किंधा क्षेत्र और किष्किंधा क्षेत्र में जितने सारे साइट सीन थे सारा कुछ आज हम लोग इस ब्लॉग में कैप्चर किए हैं। हम्पी से लेकर हनुमान जी का जन्म स्थान और सारा आज कई सारे जगह है जो इस ब्लॉग में कैप्चर किया हूँ। और अभी ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, अभी शाम के 6 बज रहे हैं तो और भी एडिट वगैरह और आज रात भर हम लोग का गाड़ी चलेगी। तो चले दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं ब्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं तो ज़रा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा कर जाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो आप निकल रहे हैं, क्या बोलिएगा? जय जय श्री राम, बोलो भारत माता की जय। हाँ तो कुछ बोलिए कि कैसा लगा, क्या आप हम लोग के साथ? हमारे से कुछ गलत होएगा तो माफ कर दीजिए, हमारे से सर्विस लगेगा, अच्छा लगेगा और एक बार मिल जाइए। ठीक है, जय श्री राम। क्यों बाबा बोलते आज এই দেখো আমাদের কারিগরগুলো খুব মেহনত এত দিন থেকে, আজকে কত দিন হয়েছে, আজকে আমাদের 15 দিন হয়েছে আর এই 15 দিন থেকে আমরাকে অনেক মেহনত করে খাওয়াচ্ছে। এই যে এখন এই পুরি বেলানো হচ্ছে, হ্যাঁ পুরি না না রুটি, আচ্ছা রুটি হচ্ছে।